दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, जब भी सांप किसी इंसान को काटता है तो ऐसा कहा जाता है कि जहर सबसे पहले दिल और मस्तिष्क तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगाता है और उसके बाद ही यह जहर शरीर में धीरे धीरे फैलता है। लेकिन इस समय में लोग उपाय करने के बजाय घबराने लग जाते हैं, जिससे सीधा सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ता है और इसी के कारण सांप काटने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। जबकि यदि आप उन 3 घंटों में अपने इलाज के लिए कुछ करते हैं या किसी डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो आपको बचाया जा सकता है, परंतु इस बारे में जानकारी ना होने के कारण ही उनका इलाज नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं कि सांप के काटने पर आपको तुरंत सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सांप के काटने पर जितनी भी जल्दी हो सके मरीज को उल्टी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो उसे घी पिलाएं या फिर गुनगुना पानी करके दें। इसके कारण उसे उल्टी करने में आसानी होगी और शरीर में जहर के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा और मरीज भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दूसरा उपाय है दोस्तों, तुअर दाल का सेवन करें। तुअर दाल में भी सांप के काटने के कारण फैलने वाले जहर के असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए आप तुअर दाल की जड़ को पीसकर यदि रोगी को खिलाते हैं तो आपको जहर के असर को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप कंटोले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंटोला 2 तरह का आता है, एक वो जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं और दूसरा वो जिसमें सिर्फ फूल होता है, उसे बांझ कटोला भी कहा जाता है। यदि सांप के काटने के बाद उसके कांड को घिसकर सांप के काटने वाले स्थान पर लगा दिया जाए तो ऐसा करने से जहर का असर नहीं फैलता है और रोगी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और तरीका है कि आप लहसुन का सेवन करें। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। यदि आपको सांप काट जाता है तो आप लहसुन को पीस कर उसका पेस्ट तैयार करें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उस स्थान पर लगाएं जहां सांप ने काटा है, या फिर उसे चटवाएं। ऐसा करने से भी सांप के जहर के असर को कम करने में मदद मिलती है। एक और उपाय है दोस्तों, मिट्टी के तेल और प्याज से बने लेप का इस्तेमाल। सबसे पहले कम से कम 2 प्याजों को लेकर अच्छे से घिस लें और उसे मिट्टी के तेल की कुछ बूंदों के साथ मिलाएं और उसे सांप के काटने वाले स्थान पर व उसके चारों ओर अच्छे से लगा दें। थोड़ी देर बाद वो लेप हरे रंग में बदल जाएगा, क्योंकि जहर आपके शरीर में नहीं फैलेगा और इसका असर इस लेप पर दिखाई देगा। साथ ही साथ कड़ी पत्ते का सेवन करें। कड़ी पत्ते को किसी जड़ी बूटी से कम नहीं माना जाता। यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसे जल्दी से इसका दलिया बनाकर खिलाया जाता है तो उस व्यक्ति को सांप के कारण शरीर में फैलने वाले जहर को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनका इस्तेमाल करके आप सांप के काटने पर किसी भी रोगी की जान को बचा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सांप के काटने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, किसी तरह की घबराहट फील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके दिल और दिमाग पर पड़ता है, जिसके कारण रोगी की जान जाने का खतरा भी रहता है। इसलिए इस समय काफ़ी धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।